एक बार देश की सबसे बड़ी साइकिल फैक्ट्री में वर्कर किसी वजह से भारी हड़ताल पर चले जाते हैं और फैक्ट्री में साइकिल बनने का काम बंद पड़ जाता है। जब वो लोग काम कर रहे लोगों के पास गए तो उन्होंने देखा साइकिल बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी कंपनी के मालिक है जो खुद अपने हाथों से साइकिल बना रहे हैं। इसके बाद उन हड़ताल करने वाले अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने कहा कि जाओ, तुम लोगों का अधिकार है हड़ताल करना, तुम सब लोग घर जा सकते हो, लेकिन हमारे साइकिल बनाने के बहुत ऑर्डर्स हैं। अब हमारे डीलर तो कुछ दिन के लिए समझ सकते हैं कि स्ट्राइक है, इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहा, लेकिन मैं उन बच्चों के माँ बाप को क्या कहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों से उनके जन्मदिन पर उन्हें हमारी साइकिल गिफ्ट करने का वादा किया है। उन सारे बच्चों का दिल इस हड़ताल की वजह से टूट जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। दोस्तों, अभी जो हमने आपको कहानी सुनाई वो हीरो साइकिल की कहानी थी और ये शब्द उसी कंपनी के एक मालिक ओम प्रकाश मुंजाल के थे। आपको इस वाक्य से पता चल गया होगा कि मुंजाल ब्रदर्स यानी हीरो कंपनी के जो मालिक थे उनके लिए उनकी साइकिल और उसे चलाने वाले दोनों ही कितने मायने रखते थे। आइए अब आपको बताते हैं कैसे मुंजाल ब्रदर्स के दो पहियों ने पूरे देश के घर घर में अपनी जगह बनाई। मुंजाल ब्रदर्स की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। आजादी के पहले पाकिस्तान के शहर टोबा टीक सिंह में इन चारों भाइयों का जन्म होता है, जिनमें सबसे बड़े थे ब्रिजमोहन मुंजाल और उनके तीन भाई दयानंद मुंजाल, सत्यानंद मुंजाल और ओम प्रकाश मुंजाल थे। ये लोग पाकिस्तान में जब बड़े हो रहे थे तो इनके पिता की एक अनाज की दुकान थी और साइकिल के बिजनेस से इनका दूर दूर का कोई नाता ही नहीं था। आजादी के साथ ही पूरा मुंजाल परिवार पाकिस्तान छोड़कर अमृतसर आ गया। अमृतसर आने के बाद ब्रिजमोहन मुंजाल अपने एक दोस्त करीम खान से मिलते हैं और ये करीम खान ही थे जिन्होंने उससे पहले एक ब्रांड के तौर पर हीरो कंपनी अमृतसर में शुरू की थी, जो उस वक्त साइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाया करती थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, पार्टीशन की मार दोनों तरफ ही थी, इसलिए करीम खान भारत छोड़कर पाकिस्तान जाते हुए अपनी स्पेयर पार्ट्स की कंपनी को मुंजाल ब्रदर्स के हाथों में दे गए और यहीं से शुरू होती है हीरो की असली कहानी। हालांकि अब स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस मिल तो गया लेकिन अमृतसर में इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों ने इस धंधे को लुधियाना शिफ्ट करने के बारे में सोचा। लेकिन शिफ्ट करने के साथ ही साथ इन्होंने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लेकर ये तय किया कि अब वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के बजाय पूरी साइकिल ही बनाया करेंगे। और इस तरह 50,000 के लोन के साथ 1956 में शुरू होती है हीरो की साइकिल कंपनी। शुरुआत में कंपनी में एक दिन में 25 साइकिल बनाई जाती थी। चूंकि उनकी साइकिल की क्वालिटी और मजबूती इतनी बेहतरीन थी कि जल्द ही हीरो की साइकिल तरक्की की राह पर चलने लगी थी और बहुत ही तेजी से कंपनी को ऑर्डर मिलने लगते हैं। कंपनी की तरक्की आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो कंपनी एक दिन में 25 साइकिल बनाया करती थी वो 10 साल बाद एक दिन में करीब 300 साइकिल बनाने लगी, यानी एक साल में करीब 1,00,000 साइकिल का प्रोडक्शन शुरू हो गया था। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी, कंपनी अगले 10 साल में 5,00,000 साइकिल पर ईयर बनाने लगी और 1986 में एक समय ऐसा आया जब हीरो ने इतिहास रचते हुए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया, क्योंकि कंपनी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बन गई थी। 25 साइकिल से शुरुआत करने वाली कंपनी अब 19,000 साइकिल रोज बनाने लगी थी और ये सारी साइकिल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 80 के दशक में हीरो अपनी साइकिल को दुनिया के करीब 90 देशों में बेचता था। इन सब के पीछे अगर कोई मेन कारण था तो वो सिर्फ मुंजाल ब्रदर का बिजनेस करने का तरीका, क्योंकि वो अपने हर कस्टमर से लेकर डीलर तक को अपना मानकर चलते थे और उस जमाने में उन्होंने डीलर को सिक्योर करने के लिए ना सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिया था बल्कि उन डीलरों को कंपनी में शेयर भी दिया हुआ था, जिस वजह से सारे डीलर हीरो को अपनी कंपनी समझकर अपनी जी जान लगाकर काम करते थे। यही कारण था कि मुंजाल ब्रदर के इस तरह से बिजनेस करने के तरीकों को पूरी दुनिया में सराहा गया। बीबीसी, वर्ल्ड बैंक और लंदन बिजनेस स्कूल भी मुंजाल ब्रदर्स की तारीफ किया करते थे, इसलिए ब्रिटेन में हीरो साइकिल को सुपर ब्रांड का स्टेटस दिया गया। उस वक्त पूरी दुनिया में हीरो साइकिल के लिए करीब 30,000 लोग काम किया करते थे, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी का स्टेटस क्या रहा होगा।
साइकिल बनाने के साथ ही जब हीरो ने तय किया कि वो मोटर बाइक में भी हाथ आजमाएगा तो तरक्की ने वहां पर भी हीरो का दामन पकड़ लिया। पहले हीरो मैजेस्टिक नाम से शुरू होने के बाद कंपनी ने हीरो पुच जैसे प्रोडक्ट निकालकर मोटर बाइक की दुनिया में कदम रखा। लेकिन कंपनी ने मोटर बाइक में असली सफलता तब हासिल की जब उसने जापान की बेहतरीन बाइक कंपनी होंडा के साथ 1984 में पार्टनरशिप की। इसके बाद दोनों कंपनियों ने मिलकर किया हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड को तैयार, जिसमें इन दोनों ने साथ मिलकर 13 अप्रैल 1985 को लॉन्च किया हीरो होंडा CD100, जो कि इन दोनों कंपनियों का एक साथ पहला प्रोडक्ट था। एक साथ काम करते हुए दोनों कंपनियों ने 27 साल तक देश को एक से एक बेहतरीन मोटर बाइक बना कर दिए और इन दोनों कंपनियों की ये पार्टनरशिप देश में एक इमोशन की तरह सेलिब्रेट की जाने लगी, क्योंकि एक जमाने में लोग मोटर बाइक को बाइक बोलने की जगह हीरो होंडा ही बोला करते थे, जो ये दिखाता है कि ये कंपनी देश के हर आम इंसान तक पहुंच गई थी और उसके लिए बाइक मतलब हीरो होंडा ही था। लेकिन करीब 27 साल की ये पार्टनरशिप आखिरकार 2011 में जाकर कुछ कारणों से टूट गई और उसके टूटने से बना हीरो मोटोकॉर्प, जो तब से लेकर आज तक अपनी ही बाइक बनाता है। होंडा से अलग होने के बाद कंपनी को फायदे और नुकसान दो नहीं हुए। फायदे में देखें तो कंपनी को उन देशों में भी अपनी बाइक बेचने का मौका मिल गया जहां सिर्फ होंडा अपनी बाइक बेचा करती थी। वहीं अगर इन चारों मुंजाल ब्रदर्स की बात करें तो 2 साल यानी कि 2015 से लेकर साल 2016 के बीच चारों भाई इस दुनिया से चले गए और आज हीरो के मालिक हैं ओम प्रकाश मुंजाल के बेटे पंकज मुंजाल। इस तरह इन चारों भाइयों ने एक मुसलमान दोस्त की छोटी सी कंपनी को पूरी दुनिया का सुपर ब्रांड बनाकर रख दिया, जिस पर लोग आज आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। पिछले साल के बिक्री आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी ने करीब 53,000 से ज्यादा बाइक्स बेची हैं। आज भी ये कंपनी भारतीयता की भावनाओं को लेकर कारोबार करने वाली उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिनके प्रोडक्ट के साथ ही सर्विस और क्वालिटी बेहतरीन होती है। मुंजाल ब्रदर की इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है, अगर किसी बिजनेस में लंबे समय तक टिकना है तो आपको अपने से ज्यादा कस्टमर और आपके प्रोडक्ट को बेचने वाले दुकानदार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस तभी सफल हो पाता है। आपको मुंजाल ब्रदर्स की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।